जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। मैं आपका अपना हर्ष गोयल, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र से आज आपको एक बात बताते हैं। मैं ऐसे ही किसी एक फंक्शन में गया, वहाँ मुझे किसी ने टोक दिया कि भैया आप भजन सुनाते हो, क्या भगवान सच में है? मैं बोला हाँ भैया है। उसने मुझे टोका, बोला भैया अगर भगवान है सिद्ध कर कर बताओ, अगर भगवान है तो आप सिद्ध कर कर बताओ कि भगवान है तो कैसे है। तो हम एक दिन उसके घर मिले, मैं बोला भैया एक गिलास में पानी पीने का दीजिए। वो पानी लेकर आया, मैंने उस पानी को साइड में रखवा दिया और बोला कि भैया पूरे एक महीने बाद इसी जगह पर इसी समय पर दोबारा मिलेंगे। और एक महीना जैसे बीत गया, एक महीने बाद उसी जगह पर उसी समय हम फिर मिले और उसने बोला कि भैया पता नहीं लगा भगवान है या नहीं, तो बताओ है या नहीं। मैं बोला भैया कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, आज मैं आपको बताकर जाऊंगा कि भगवान है या नहीं है। मैंने बोला वो पानी कहाँ पर है जो पिछली बार रखवाया था? वो लेकर आया पानी, मैं बोला इस पानी को टेस्ट करो, इस पानी को पी। उस पानी में इतनी स्मेल हो गई, वो बोला भैया पानी में स्मेल हो गई है, पानी खराब हो गया है, कैसे पियो? मैं बोला ठीक है भैया साइड रख दो। एक पानी की बोतल मैं भी लेकर गया था, मैंने उसमें से थोड़ा सा पानी गिलास में डाला और उसे पिलाया। मैं बोला भैया ये वाला पानी पियो। उसने पिया, बोला भैया ये पानी तो अच्छा है, अभी लेकर आए हो। मैं बोला भैया जो आपने अभी पानी पिया है वो कम से कम एक साल पुराना है, कम से कम एक साल पुराना है। वो बोला भैया पानी खराब नहीं हुआ, क्या बात? उस समय शायद मैं ही नहीं, हमारा सनातन धर्म नहीं, जो जो भगवान को मानते हैं वो भी नहीं, पूरा विश्व एक ही बात कहा, उसको एक ही जवाब मिला, मानू तो गंगा मानू, ना मानू तो बहता पानी है जनाब। जो तूने पानी पिया वो गंगा जी का था, हर की पौड़ी से पानी भरा हुआ था, इसको चाहे जन्म जन्म रख ले पानी खराब नहीं होगा। इसलिए कहा मानू तो गंगा मानू, ना मानू तो बहता पानी है जनाब। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी।